नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। BHEL के श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने अपने निज निवास पर प्रभु श्री राम जी की पूजा अर्चना कर राम दरबार की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब होई। प्रभु श्री राम की कृपा उस जिसके ऊपर हो जाती है, उस पर चहुं ओर से कृपा बरसने लगती है। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि प्रभु की कृपा सभी BHEL एवं भोपाल वासियों, प्रदेश और देशवासियों पर सदा बनी रहे। अयोध्या में राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा होने, इसको पूरे देश का कई वर्षों से इंतजार था और मैं और पूरा BHEL परिवार और कांग्रेस परिवार इस प्रतिष्ठा में पूर्ण रूप से हम सबको खुशी है और हम चाहते हैं कि अब देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल हो, प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिले, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अवसर मिले। हमारा देश आगे चल के विश्व का सबसे महानतम देश कहलाए। कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो अभी यात्रा कर रहे हैं, भारत न्याय जोड़ो यात्रा। वो जब जिस तरह से वैष्णो देवी का बुलावा आता है तो व्यक्ति वैष्णो देवी माँ के चरणों में पहुंच जाता है, उसी तरीके से प्रभु श्री राम का जब बुलावा आएगा तो हम सभी कांग्रेस जन वहां पहुंचेंगे। और कांग्रेस सदा ही राममय रही है और राम जी के सिद्धांतों पे चलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस उल्लास में हम सभी लोग भी भगवान का स्वागत कर रहे हैं, जैसे कि आज हम गोपाल नगर मंदिर में राम लखन सीता मैया की रथ यात्रा निकाल रहे हैं और प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा सहित उनके श्री चरणों से में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और श्री राम भगवान की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे कि श्री राम प्रभु अपने मंदिर में पधार रहे हैं, उसी तरीके से हमारी हर गली में, हमारे हर मंदिर में श्री राम का गुणगान होना चाहिए और एक गुणगान जरूर होना चाहिए कि नमस्ते हेलो हाय नहीं, हर मुख से जय श्री राम होना चाहिए। जय श्री राम। अरे गोपाल नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हमें बहुत खुशी है और इसका आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है और कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया है। मैं रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, आज ही, सिर्फ आज ही नहीं, आप लोग राम जी की पूजा करते हैं लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलते आप। जिस तरीके से रामचंद्र जी स्त्रियों का मान सम्मान करते थे, सभी पुरुषों को चाहिए कि अपने घर की महिलाओं का मान सम्मान करें, अपने घर की नहीं सभी महिलाओं का। धन्यवाद। नाम है उमा गुप्ता। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।